तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैनकोड ईसीएस टीटन माल्टा लीग का 13वां और 14वां मैच, जो कि खेला जाएगा मेटाडाई वर्सेस बुगेबा ब्लास्टर्स के बीच में। बात करें मैच की डेट एंड टाइमिंग की, तो आप देख सकते हो 25 नवंबर यानी कि आज ये मैचेज खेले जाएंगे दोनों के दोनों। पहला मैच दोपहर को 1 बजे खेला जाएगा, दूसरा मैच दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट होगा। अगर बात करें वेन्यू की, तो आप देख सकते हो मार्सा स्पोर्ट्स क्लब मार्सा माल्टा में ये मैचेज होने वाले हैं। और अगर वेन्यू के इस सीजन के रिकॉर्ड्स की बात करें, तो 12 मैचेस खेले गए जिसमें से 6 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 6 मैच भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो आप यहां पर देख सकते हो 80 से 100 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदर की बात आप यहां पर कर सकते हो, मतलब वेदर के अभी तो कोई चांस नहीं लग रहे बारिश के। बाकी अगर कुछ भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन आप कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। अगर यहाँ से बात करें पिच रिपोर्ट की, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो मार्सा स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड है, यहाँ पर मतलब थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और ये मान लो कि जो हिट करते हैं ना, जैसे बॉल को ज़्यादा हार्ड हिटर है, जैसे क्रिस गेल, मतलब इंटरनेशनल एग्जांपल दे रहा हूँ क्रिस गेल, यहाँ से हार्दिक पांड्या जो मतलब पावर हिटर है, ऐसे मतलब बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब मदद करती है पिच। इसके अलावा बात करें तो पेसर्स यहाँ पर थोड़ी सी विकेट से हेल्प ले सकते हैं, वो भी सेकंड इनिंग में, जबकि मतलब स्पिनर्स को यहाँ पर मतलब इतनी कुछ हेल्प यहाँ पर मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब यहाँ से बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर भाई अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल टीम है फाइनल अपडेट वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। साथ ही भाई जो कल के दिन की बात करें, तो कल के दिन के स्टार्टिंग के 2 मैच भाई हमारे बहुत गंदे गए थे, बहुत ही गंदे गए थे। मान लो कि उनमें है ना मेरा अकेले का मतलब मेरा खुद का लॉस हो गया था 43K का। लेकिन जो मतलब जो दोनों मैच बाद में खेले गए थे, एक मैच 5 बजे और एक मैच 7 बजे, उनमें भाई बिल्कुल इजीली लॉस कवर हुआ था। ठीक है, और उनमें मैंने क्लियरली बोला था आपको, मैं टेलीग्राम पर लेके चलता हूं और मैं क्लियरली आपको बताता हूं कि यहां पर मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई आप है ना आप इस मैच में हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो चेंजेस कुछ इस प्रकार के हुए थे, तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता था। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बोला था मैंने, हाँ यहाँ पर आप देखो भाई मैंने क्लियरली बोला था कि जैसे यहाँ पर 2 जैसे ये चेंज देखे ना मेरे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोनों के दोनों, अनिल कादिर इमरान आमिर, और ये दोनों कल खेल रहे थे, तभी भाई मैंने क्लियरली बोल दिया था कि हाई इन्वेस्टमेंट मैच रहने वाला, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज ना के बराबर मिलेगा। और हमने भाई इमरान आमिर को कैप्टन बनाया जिसने एक विकेट निकाली, साथ ही साथ 32 रन बनाए, मतलब काफ़ी बड़ा जैकपॉट मैच हमें देखे गया था ये। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने क्लियरली बोला था कि हाई इन्वेस्टमेंट गेम रहने वाला है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगा सकते हो, मैंने क्लियरली बोला था। और उसके बाद भाई हमारे रिजल्ट भी आप देख सकते हो, मैंने रिजल्ट भी शेयर किए थे और मैंने बाद में बोला कि भाई मैंने क्लियरली बोला था कि आपको जैकपॉट मैच लगवा के दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ये भाई हमारे रिजल्ट है, और यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैंने जैकपॉट मैच बोल के लगवाया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई जो मैच अच्छा होगा ना उसमें आपकी काफी अच्छी खासी प्रॉफिट भी करवा दूंगा, बाकी अगर जो मैच रिस्की होगा उसमें आपको बता दूंगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसी करनी है। सारी अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करें अगर यहां पर बुगेबा ब्लास्टर्स के लास्ट के 2 मैचेस की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप यहां से देख सकते हो अजय कुमार की 1 मैच में बैटिंग बॉलिंग आई, 13 रन बनाए। गौरव मैथानी की बात करें तो 1 मैच में 33 रन, दूसरे मैच में 24 रन, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सुरेश डोभाल पहले मैच में विकेट लेस, दूसरे मैच में 2 विकेट। इसके अलावा पर्थ दास की बात करें तो पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग आई नहीं, दूसरे मैच में 1 विकेट निकाला। कल्कि कुमार की बात करें तो सेम भाई, पहले मैच में फ्लॉप रहा, दूसरे मैच में 2 विकेट। देवेंद्र नेगी की बात करें तो 1 ही मैच में बैटिंग मतलब बैटिंग तो आई नहीं, बॉलिंग आई थी, यहां पर आप देख सकते हो 2 ओवर डाले और विकेट लेस रहा। यहाँ पर विनय नेगी की बात करें तो दोनों मैच में 2-2 ओवर डाले और 1-1 विकेट निकाला, साथ ही 1 मैच में ऑलमोस्ट 30 रन भी बनाए, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा अगर बात करें सोहन सिंह की, तो 3 विकेट 2 मैच में ये भी निकाल के ले गए। इसके अलावा बात करें शिव रावत की, तो 1 मैच में बैटिंग बॉलिंग आई जिसमें भाई 1 विकेट निकाल के ले गया बंदा, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। इसके अलावा विजय सिंह काफी ठीक ठाक प्लेयर है, और फैजुल्ला को भाई काफी ज्यादा नीचे खिला रहे हैं, अगर फैजुल्ला थोड़ा सा ऊपर खेलते तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आप थोड़े ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं भाई ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो गौरव मैथानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुरेश डोभाल इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बात करें तो कल्कि कुमार इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से नीचे एक साइड आओगे तो विनय नेगी और सोहन सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए 5 प्लेयर है जो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं भाई यहाँ पर मेटाडी की टीम की, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट के 2 मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, यहाँ
पर आपको और भी अच्छे अच्छे परफॉर्मर मिलेंगे। यहाँ पर देखो अजीम साथी की बात करें तो दोनों मैच में विकेटलेस रहे, हालांकि देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, रन इन्होंने ठीक ठाक बनाए। कार्नेलस यूनिस की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, दो मैच में, एक मैच में 39 रन, एक मैच में 18 रन, यानी कि दोनों मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखे गए। मिशेल नाजीर भाई दो मैच में 5 विकेट, देखो अब यहाँ से मिशेल नाजीर ने दो मैच में 5 विकेट निकाले, लेकिन एक और प्लेयर है जिसने भाई इसको भी माफ कर दिया, 2 मैच में 6 विकेट निकाले, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। इसी टीम में भाई प्लेयर है इमरान आमिर, देखो मैंने क्लियरली बोला था कि ये मतलब इसको मैंने कैप्टन बनाया, लोगों ने कैप्टन किसको बनाया भाई, यहाँ से कुछ लोगों ने तो अजीम साथी को बनाया था, ठीक है। अजीम साथी का आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, 18 रन बनाए, यहाँ पर इमरान आमिर ने रन भी एक्स्ट्रा बनाए, साथ ही एक विकेट एक्स्ट्रा लेके हमें बिल्कुल एक तरफा विनिंग करवा दी। साथ ही भाई अनिल कादिर, ये दोनों कल खेल रहे थे और भाई मैंने क्लियरली बोला था कि दोनों आपके लिए जैकपॉट प्लेयर होने वाले और आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें सैम एक्विलिना की तो इन्होंने 0 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ से नीचे की साइड रूपन दास की, तो इनकी बैटिंग बॉलिंग इतनी कुछ खास आई नहीं। रैंसी जैकोब एक मैच में बॉलिंग करवाई, विकेट विकेटलेस रहे। मुथुक की बात करें तो आप देख सकते हो 2 मैच में 3 विकेट निकाले, पहले मैच में विकेटलेस, दूसरे मैच में 3 विकेट। और अब यहां से भाई बात करेंगे पिंटू घोष की, जो हमारी टीम में था और मैंने वॉइस कैप्टन का ऑप्शन दिया था, बट मेरा वॉइस कैप्टन नहीं था, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बट मेरे किसी भी ओपोनेंट का वॉइस कैप्टन नहीं था। मैंने शायद इस मैच में 19 कॉन्टेस्ट लगाए थे, एक में भी किसी का मतलब वॉइस कैप्टन नहीं आया था, ठीक है। आपको पता मैं ऑलमोस्ट हेड टू हेड खेलता हूँ, तो मतलब 19 में तो 19 ही मेंबर होंगे, तो 19 में से किसी एक का भी मतलब मेरे पास ऐसा नहीं आया कि किसी का वॉइस कैप्टन यहाँ पर पिंटू घोष हो। आप देख सकते कई लोगों की टीम में नहीं था, लेकिन हमारी टीम में जरूर था भाई ये, और इसी वजह से हमने काफ़ी अच्छी विनिंग की। 2 मैच में भाई यहाँ पर आप देख सकते 6 विकेट बंदा निकाल के लेके गया, तो आप खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां से टीम की, तो टीम अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, जो फाइनल अपडेट है, टॉस की अपडेट है, बैटिंग ऑर्डर है, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर है, साथ ही कुछ जैसे चेंजेज होते हैं, जैसे भाई अभी भी मैंने आपको ऊपर ले जाकर दिखाया कि ये जो चेंजेज हुए थे इनकी वजह से भाई हमारी विनिंग हुई है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो चेंजेज होते हैं वो आप थोड़े ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो मैंने दोनों टीम में 5 चेंजेज हुए थे टोटल। आप देखो मान लो 5 प्लेयर नए खेल रहे हैं और उनको उनके बारे में मान लो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे विन करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अनिल कादिर और इमरान आमिर के बारे में आपको पता ही नहीं होता, तो फिर आप कैसे विन करते। तो इसीलिए भाई बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर फाइनल टीम के साथ साथ फाइनल अपडेट भी मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे चलो अब ड्रीम इलेवन की डेमो टीम की, जो मैं अभी आपको बना के देने वाला हूँ। यहाँ से गौरव मैथानी हमारी टीम में रहेगा, सुरेश डोभाल हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा यहाँ से कार्नेलस यूनिस को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। विजय सिंह को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा और नीचे की साइड आओगे तो फैजुल्ला को मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे कर दिया गया है। अगर उतना ही नीचे रहता तो भाई फिर देखते हैं इसकी जगह पर किसी और को ट्राई करेंगे, या फिर अगर अभी से आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर आप अनिल कादिर और इमरान आमिर को ट्राई कर सकते हो, साथ ही साथ पिंटू घोष को ट्राई कर सकते हो, एक आदिर को फिर आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर बात करें अजीम साथी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुथुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल्कि कुमार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल्कि कुमार को आप नहीं पिक कर पाओगे तो यहाँ से भाई विजय नेगी को आपको जरूर पिक करना है। देखो एक मैच में मतलब रन भी बना रहा है, साथ ही एक एक विकेट भी निकाल के दे रहा है, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ से आप देखो तो देखो यहाँ से दोनों विकेट कीपर लेने जरूरी है, अदरवाइज भाई यहाँ से मैं चारों के चारों ऑलराउंडर लेता, कल्कि कुमार को मैं अपनी टीम में जरूर रखता, काफी अच्छा परफॉर्मर है भाई, मैं इसको रखने वाला हूं अपनी टीम में, कैसे भी मैनेज करके मैं इसको अपनी टीम में जरूर रखूंगा, ठीक है। अगर यहां से बात करें एम नाजिर की, तो एम नाजिर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। इसके अलावा बात करें यहां से आर जैकोब की, तो आर जैकोब को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। देखो प्लेयर काफी अच्छा है, लेकिन भाई अभी थोड़ा खराब फॉर्म से गुजर रहा है, लेकिन भाई काफी अच्छा प्लेयर है, आप अगर चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से बात करें एस सिंह की, तो एस सिंह हमारी टीम में रहेंगे। देवेंद्र नेगी और यहाँ से रैंसी जैकोब, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लेना, अभी भाई देवेंद्र नेगी के साथ जाते हैं, बाकी भाई देखते हैं। रैंसी जैकोब यार मेरे को काफी अच्छा प्लेयर लगता है और कंप्लीट 2 ओवर लगातार डालता आ रहा है, तो परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरे को काफी अच्छा प्लेयर लग रहा है। अब यहाँ से बात करें कैप्टन वॉइस कैप्टन की, तो देखो मेरा कैप्टन होने वाला है यहाँ से अजीम साथी, और वॉइस कैप्टन की बात करूँ तो अगर आपको देखो बिल्कुल सेफ जाना है ना, तो आप कार्नेलस यूनिस के साथ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है ना, तो आप मतलब यहाँ से मैं बिल्कुल सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, कार्नेलस यूनिस को थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप आई आमिर के साथ जा सकते हो, बाकी बिल्कुल ही सेफ जाना है तो आप यहाँ से ऊपर से किसी भी विकेट कीपर के साथ जा सकते हो। दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों का सिलेक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है। नीचे की साइड आओगे तो एम नाजिर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर भाई इसने भी 2 मैच में 5 विकेट निकाले, साथ ही परफॉर्मेंस भी दे रहा है, 1 डाउन बैटिंग कर रहा है,
है, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ से मैं इमरान आमिर के साथ जाना चाहूंगा, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है और भाई खेल रहा है और परफॉर्मेंस भी अभी दे रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ, बाकी भाई फाइनल टीम में मैं देखता हूँ जब ये प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें कैसा कौन क्या परफॉर्मेंस करता है, तो उस हिसाब से देखते हैं भाई कैसे क्या करना है। बाकी अभी के लिए तो मैं इमरान आमिर को बना रहा हूँ वॉइस कैप्टन, ठीक है। बाकी ये भाई हमारी ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, इस टीम के साथ हम जाने वाले। अगर भाई प्लेइंग 11 में कोई चेंजमेंट होता है तो उसके अपडेट मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।